तो दोस्तों ये है BMW की C400 GT स्कूटर है 400 cc की। लुक तो आप देख ही रहे हो, मेरे ख्याल से बहुत सारे वीडियो में आप लोगों ने ऑलरेडी देखा भी होगा। इसकी ये वाली जो लाइट की यूनिट है ना, अमेजिंग है। लग रहा है कि कार वाली प्रीमियम जो कार होता है ना, जैसे BMW की कार्स होता है उसमें जैसे लाइट है वैसे ही दिखता है। पिरेली के टायर्स है, 120 सेक्शन सामने है जो कि सुपर बाइक की टायर की मतलब थिकनेस रहता है, एंड पीछे जो है 150 सेक्शन की है। JG1 की कैलिपर्स है, ट्विन डिस्क के साथ आता है ये। बढ़िया सा एक जो है वाइज़र है, बहुत अच्छा विंड प्रोटेक्शन देता है। और ये तो आप डैश देखे होंगे, बहुत सारे GS के सब में भी ऐसी साइज़ की जो डैशबोर्ड आता है। ये देखो यहाँ पे, देखो कितना प्रीमियम फील होता है ये मटेरियल। ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की। सीट मुझे सबसे बढ़िया लगा, देखो बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, एंड देन ये भी बैक सपोर्ट बहुत अच्छा देता है। अमेजिंग फीलिंग है, फ्लैट है सीट तो अच्छा फील होता है। ये सीट भी अच्छा है। पीछे वाले हिस्से पे अगर आप देखोगे ये भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छा दिखता है, वाइड है। यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से एयर फिल्टर आता होगा। सस्पेंशन ट्विन सस्पेंशन है, और बहुत पीछे है अगर आप देखोगे चैसिस का पूरा टिप पे है एंड में। एग्जॉस्ट भी देखो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, GS की जैसा एग्जॉस्ट है। ओवरऑल अच्छी स्कूटर है, एक्सपेंसिव है बट अच्छी स्कूटर है, क्वालिटी बहुत अच्छा है नो डाउट। और ये इसकी की है, जस्ट लाइक ऑल द प्रीमियम बाइक्स फ्रॉम BMW। ऑलराइट दोस्तों, सो हम जो है अभी चला रहे हैं BMW की 400 GT। वाह, अरे वाह, बढ़िया। ओहो भाई, ये होता है प्रॉपर मैक्सी स्कूटर सच में। ऑन ए सीरियस नोट, सीरियसली मजा आ रहा है इसको चला के भाई। इसका एक्चुअली सर्विस करवाना है तो इसलिए ये लिख रहा है कि सर्विस कर दो, सर्विस की टाइमिंग हो चुका है। वाह वाह वाह, मतलब बात ये कि यार ऐसे स्कूटर में जो है ना आप हजारों किलोमीटर चला लोगे, हाइक वाली फीलिंग हो रहा है इस पे। इसकी सीट की क्वालिटी अच्छी है, सीट की साइजिंग अच्छी है, तो बैठने में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल फील हो रहा है। बस यार 14 लाख हो जाता है यार बैंगलोर में, वही थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, अदरवाइज अच्छी लग रहा है स्कूटर चलाने में तो अच्छा फील हो रहा है। सस्पेंशन भी अच्छा है, बहुत अच्छा है सस्पेंशन। भाई ये स्कूटर तो अच्छा है, लेकिन कह रहे यार जो 12-13 लाख वो जो प्राइस हो रहा है ना, वो थोड़ा जस्टिफाई नहीं कर रहा। आई थिंक 7 लाख 8 लाख के अंदर रहता तो ये बहुत अच्छा प्राइस है, मतलब वो भी एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है, कंसिडरिंग BMW की स्कूटर है और फिर इम्पोर्टेड है, उस हिसाब से सही रहेगा। क्योंकि सिंगल सिलेंडर है, उतना बहुत ज़्यादा कुछ पावर वो फील इसमें नहीं होता है। ब्रेकिंग वेकिंग बहुत अच्छा है, पिकअप क्या हो रहा है ना, मतलब थोड़ा टाइम के लिए आपको पिकअप आता है, उसके बाद उतना कुछ बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग नहीं लगता है। हाँ अगर ये ट्विन सिलेंडर होता, थोड़ा पावर जो है यार 45-50 BHP की होती तो फिर थोड़ा सा मज़ा आता है सच में। वो प्राइस पे आपको आप जस्टिफाई भी कर पाओगे कि चलो ठीक है अच्छी बाइक लिया, एक स्कूटर अच्छा सा स्कूटर लिया हूँ। स्पीड तो अच्छा खासा पकड़ लेता है,
मैंने अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूटर आज चलाया है और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव बाइक भी आज चलाया है। थैंक्स टू लुलिया भाई। इसको मिली को लेके दिखाएंगे, माय वाइफ सी मे लाइक इट। मतलब यूनिक सा स्कूटर है, आपको अगर एक यूनिक सा स्कूटर रखना है देन यू विल लाइक इट। लेकिन अदरवाइज ना राइडिंग पोस्चर वोस्चर बहुत अच्छा है यार, सस्पेंशन भी अच्छा है, सीट थोड़ी सी जो है हार्ड सेटअप पे है लेकिन वही है कि क्वालिटी फील होता है सीट पे। वाह बढ़िया। आई थिंक दिस शुड गो ईजिली 120-130 तो ईजिली चला जाएगा मुझे लगता है। स्कूटर की एडवांटेज यही है ना कि यार खाली एक्सीलेटर दबाते जाओ बस गाड़ी चलता जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। पंप्स आ गया, ब्रेकिंग एकदम सॉलिड है, बढ़िया सा पकड़ता है, बाइक वाली फील होता है ब्रेकिंग में। बस मुझे ये लगता है कि जैसे 12-13 लाख में अगर आ रहा है तो इसमें क्रूज कंट्रोल ये सब फीचर्स होना चाहिए। अब ये जो मेनू यहाँ पे आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही, तो टच स्क्रीन तो डेफिनेटली नहीं है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है इसको कैसे निकालना है। सर्विस ओवरड्यू। किलोमीटर वैसे बहुत ज़्यादा इसमें नहीं गया है, ये तो अभी तक 175 किलोमीटर शायद कुछ गया है, लेकिन टाइम हो गया होगा ड्यू का, सर्विस का, इसीलिए आ रहा है ये। अब इसको अगर मैं घुमाता हूँ कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा फिर हो गया, अभी समझ गया मैं, इसको ऐसे रिमूव करना था। चलो ठीक है, अब इस पे जो है आ गया स्पीड। और क्या आता है भाई, चलो फाइनली मैंने उस स्क्रीन से निकाल दिया। भाई साहब भुवनेश्वर में क्या गर्मी है रे बाप, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्टीमेट मज़ा आ रहा है चलाने में, नो डाउट मज़ा आ रहा है। एंड ये सब जो है ना ये प्रीमियम क्वालिटी है, ये लोगों से लेके एवरीथिंग, पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं ना प्रीमियम है क्वालिटी। चलो आपको आज एक भुवनेश्वर दर्शन कर दिए। आई स्ट्रांगली विश कि यार सारे के सारे जो बाकी ब्रांड्स हैं वो इंडिया में ऐसे पावरफुल बड़ा साइज मैक्सी स्कूटर लेके आए, बहुत मज़ा आएगा सच में। स्कूटर चलाने में बड़ा मज़ा आता है यार, आई समटाइम फील कि यार बाइक से भी ना ज़्यादा मज़ा जो है स्कूटर पे आता है जनरली, क्योंकि गियर चेंज की टेंशन नहीं है, फटाक से एक्सेलरेट करो और डी एक्सेलरेट करो, हो गया बात। ओहो देखो मस्त आराम से जा रहे हैं भाई, क्या गर्मी है। पीक समर पीक, दिस इज फन टू राइड। तो क्या मैं ये स्कूटर खरीदूंगा? जी नहीं दोस्तों, बहुत एक्सपेंसिव है सच में। एक्चुअली 12-13 लाख में अमेजिंग सा बाइक आ जाएगा। इनफैक्ट अगर BMW की बात करें वो है ना, वो क्या है 1000, वो है ना यार वर्सेस जैसा दिखता है BMW का, वो वाली बाइक आ जाएगा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा डाल के। ओ देखो मस्त, वाह बढ़िया लग रहा है, बहुत स्टेबल है, ब्रेकिंग भी मस्त है, ज़बरदस्त है। देखो ब्रेक लगाते ही शिट करके इमीडिएट रुक जाता है। आगे इसकी ना ड्यूअल डिस्क है, राइडिंग पोस्चर अच्छा है, ये जो हैंडल बार जो है ना इसकी जो डिस्टेंस है ये भी सही है, और सबसे बढ़िया मुझे ये लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे पैर पूरा आराम से आप स्ट्रेच करके बैठ सकते हो, तो पूरा दिन बेसिकली इसको चला सकते हो आप, अच्छा फील हो रहा है। बस आई स्ट्रांगली विश की और थोड़ा सा ये लेस एक्सपेंसिव होता
बट ठीक है, आई थिंक कि धीरे धीरे जो है ना दूसरे ब्रांड्स जैसे होंडा हो गया, यामा के टी मैक्स भी है, ये सब लोग जो है धीरे धीरे आ जाएंगे अपना बड़े बड़े साइज स्कूटर के साथ। जब वो लोग आ जाएंगे तब डेफिनेटली एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, उसके बाद जो है अच्छे अच्छे स्कूटर्स अच्छे प्राइस पर मिलेगा। जब मिलेगा तब हम लोग जो है ख़रीदेंगे बड़े साइज स्कूटर और बड़ा बड़ा ट्रिप भी प्लान करेंगे उस पर। ये एक मिनी गोल्डविंग जैसा है सच में, सीटिंग वीटिंग स्टाइल एवरी वे मिनी गोल्डविंग है, बढ़िया लग रहा है। चलो स्कूटर को पार्क कर लिए, स्टार्ट बंद। ये वाली जो हिस्सा है ना बढ़िया दिखता है एकदम, देखो मस्त दिख रहा है ना, सस्पेंशन की ट्रैवल भी अच्छा है, सस्पेंशन की क्वालिटी बहुत अच्छा लगा मुझे, ब्यूटीफुल लुकिंग स्कूटर।